उनको कुछ नहीं बोल रहे हो? इंजेक्शन दी तो पूरा काला पड़ेगा। लेकिन मेरे बच्चे को अगर कुछ होगा तो इनको नहीं छोड़ूंगी। नागपुर का डागा हॉस्पिटल जो अलग अलग वजहों से चर्चा का विषय बना रहता है, तो वही इस बार भी नागपुर स्थित डागा हॉस्पिटल से एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। ये घटना बीती रात 29 जून की है। डागा हॉस्पिटल में इंजेक्शन की हेराफेरी होने का मामला सामने आया है। हॉस्पिटल में एडमिट कुछ लोगों ने NGP न्यूज को कुछ वीडियो शेयर किए और फोन पर दी गई जानकारी के अनुसार एक नवजात बालक को हॉस्पिटल के नर्स द्वारा गलत इंजेक्शन दिए जाने से उसकी हालत खराब होने की बात सामने आई है। जानकारी के अनुसार बच्चा बिल्कुल ठीक था और उसे किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं थी। वो अपनी माँ के पास खेल रहा था। कुछ ही देर बाद हॉस्पिटल की नर्स वहाँ आई और उसने बच्चे को एक इंजेक्शन दिया और इंजेक्शन देने के कुछ ही समय बाद ही बच्चा काला पड़ने लगा। और बच्चे को ऐसा क्यों हो रहा है पूछे जाने पर नर्स ने कोई जवाब नहीं दिया। बच्चे की हालत बिगड़ने पर उसे तुरंत ICU में भर्ती कराया गया है। बच्चे की हालत नाजुक है, उसे क्या हुआ है ये हॉस्पिटल के स्टाफ द्वारा बताया नहीं जा रहा है। परिजनों का कहना है कि इंजेक्शन देने के कारण बच्चे की हालत खराब हुई है और उसका पेट भी फूल चुका है। परिजनों द्वारा बच्चे को दिखाने की मांग करने पर हॉस्पिटल का स्टाफ बच्चे को दिखाने के लिए आनाकानी कर रहा था और वार्ड को अंदर से लॉक कर दिया गया ताकि कोई अंदर ना आ सके, ऐसा परिजनों का कहना है। शाम बच्चा कब तक सही था? अभी मेरे पास 5 बजे वो लोगों ने दिए हैं। हाँ, तो 5 बजे दूध के सब सही था, खेल रहा था, वो जैसे आई वो नर्स इंजेक्शन दी तो पूरा काला पड़ गया। जैसे इंजेक्शन दिया वैसे मर, तब से दिए ने बच्चे को अचानक लेके गए। ओके।